अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे होंगे पीपीटी में लेवल ऑफ मेजरमेंट की हम बात करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छी और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि क्या है मेजरमेंट, क्या है इवेल्युएशन और क्या है इसकी लेवल्स। साइकोलॉजिकल और फिजिकल मेजरमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, आगे चलते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसा कि मैं बताती भी आई हूँ आप बच्चों को, कि जो बिहेवियर रिसर्चेज होती हैं उसमें जो मेजरमेंट है और जो इवेल्युएशन है बहुत ही जनरल टर्म्स हैं जिनका हम आए दिन यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर टर्म्स हैं। मेजरमेंट एक ऐसा टर्म है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना को किसी स्पेसिफिक रूल के तहत न्यूमरल एलिमेंट्स के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है टेलर की, मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ न्यूमरल्स अकॉर्डिंग टू रूल। किसी स्पेसिफिक रूल के तहत हमने किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, सिचुएशन को किसी न्यूमेरिकल एलिमेंट के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, दैट इज कॉल्ड द मेजरमेंट। अब मेजरमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? मेजरमेंट की प्रक्रिया में उसका जो प्रोसीजर होता है उसमें वस्तुओं, घटनाओं, तथ्यों को किसी स्पेसिफिक नियम के अनुसार हम एक्सप्रेस कर देते हैं। अब ये जो नियम होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑब्वियस रूल और वेग रूल। ऑब्वियस रूल क्या होते हैं? बहुत ही क्लियर रूल होते हैं कि उसमें जो भी मेजरमेंट का जो प्रोसीजर होता है बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, हमें पता चल रहा होता है कि किस तरीके से इसे मेजरमेंट किया जाएगा। किसी वस्तु की लंबाई नापने के लिए हम दे दें, भार नापने के लिए दे दें, तो ये क्या है? ऑब्वियस रूल हो गया। वेग रूल में हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल मेजरमेंट करना है, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स का मेजरमेंट करना है, किसी की हंसी, हैप्पीनेस का, किसी की से सैडनेस का मेजरमेंट करना है, तो ये आ जाएगा हमारा वेग रूल में। आगे बढ़ते हैं, मापन का संबंध किससे होता है? वस्तु, व्यक्ति, स्थान की क्वालिटीज से। हम क्वालिटीज का मेजरमेंट करते हैं, ना कि सीधे ऑब्जेक्ट का। मेजरमेंट का की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्वांटिफिकेशन भी इन्वॉल्व रहता है। अब हम बात करें इवैल्यूएशन की, तो इवैल्यूएशन थोड़ा सा तो डिफरेंट है। कैसे? इवैल्यूएशन में क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है किसी भी चीज़ का। जैसे जस्ट बिकॉज एक एग्जांपल हम लेते हैं कि एक टाइपिस्ट है और टाइपिस्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद हम उससे कहते हैं कि ये जो टाइपिस्ट है वो पर मिनट 100 वर्ड्स लिखता है। तो पर मिनट 100 वर्ड्स लिखना, दैट इज़ द मेजरमेंट। और 100 वर्ड्स लिखने की वजह से ये ग्रेड ए का टाइपिस्ट है, तो ग्रेड ए का टाइपिस्ट है, दैट इज़ द इवेल्युएशन। ठीक है, गॉट इट? अब हम बात करते हैं कि कितने तरह के मेजरमेंट होते हैं। दो तरह के मेजरमेंट होते हैं बहुत ही क्लियरली, साइकोलॉजिकल और फिजिकल मेजरमेंट। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में हम क्या कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति की मेंटल ट्रेड्स को, अभिव्यक्ति को, उसकी एटीट्यूड को, इन सब का हम मेजरमेंट करते हैं। वहीं फिजिकल मेजरमेंट में हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की क्वालिटीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब जो हमारे पास फिजिकल फॉर्म में अवेलेबल हैं। और वहीं जब हमारे साइकोलॉजिकल चीज़ों का मेजरमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे मेंटल ट्रेट्स, एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड, जिनको हम फिजिकली नहीं देख सकते, जो साइकोलॉजिकली हैं, जो हमारे समक्ष डायरेक्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती, हम उनका मेजरमेंट करते हैं। आगे बात करते हैं इसमें क्या हमारी मतलब डिफरेंशियस पाए जाते हैं। तो जो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट होता है उसमें यूनिट ऑफ जो मेजरमेंट होती है वो फिक्स नहीं होती, और वहीं फिजिकल मेजरमेंट में यूनिट ऑफ मेजरमेंट फिक्स होती है। जैसे कि जो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट है हमारा, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहेगी। आज भी वो 80 बता रहा है आपकी आईक्यू, तो हो सकता है दिन भर बीतने के बाद वो आपको शाम को 120 लेवल पे लाके खड़ा कर दे। और वहीं फिजिकल मेजरमेंट में अगर आपका जो हाइट है वो 5 फीट आ रही है तो वो शाम को भी वही आएगी, ये तो नहीं होगा 12 फीट हो गए। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कंसिस्टेंसी बनी रहती है फिजिकल मेजरमेंट में, लेकिन साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में ऐसा नहीं होता, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फिक्स नहीं होता। दूसरी हम बात करें तो जो साइकोलॉजिकल मेजरमेंट होता है उसमें ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता, लेकिन फिजिकल मेजरमेंट में ट्रू 0 पॉइंट होता है। अब हम किसी से नहीं कह सकते कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो 0 है, कभी सुना कि 0 है किसी की? नहीं होगी। और वही जो फिजिकल मेजरमेंट होता है वहाँ पे जो देखते होगे आप लोग मेजरमेंट, उसमें जैसे इंची टेप भी है तो उसमें 0 से स्टार्टिंग है, या वेट मशीन है उसमें भी 0 पे जो सुई होती है वो 0 पे रहती है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, एक ट्रू 0 पॉइंट उसमें होता ही होता है। साइकोलॉजिकल मेजरमेंट में हम जान रहे हैं जैसे कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है इसका जो ऑब्जर्वेशन है, इसका जो मेजरमेंट है,
तो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसमें इतनी एक्यूरेसी नहीं पाई जाती, लेकिन फिजिकल मेजरमेंट में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा शुद्धता होती है। फिजिकल मेजरमेंट जो होता है हमारा डायरेक्ट होता है, वहीं साइकोलॉजिकल मेजरमेंट होता है उसका मेजरमेंट हम इनडायरेक्टली करते हैं। अब हम बात करें कि कितने तरह के लेवल्स होते हैं, तो जैसे आप देख रहे हो नीचे से ऊपर बढ़ती हुई नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, ये डेटा के फॉर्म में मैंने लिखा है, आप लेवल के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं इसको, नॉमिनल लेवल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो, ये चार होते हैं। और इसमें किनारे किनारे देखो लिखा भी हुआ है कि नॉमिनल में क्या हो रहा है, हम नेम के थ्रू बता रहे हैं, ऑर्डिनल में हम ऑर्डर के थ्रू बता रहे हैं, इंटरवल में एक स्पेसिफिक इंटरवल पाया जाएगा, रेशियो में इन सब तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। जैसे इसमें आप देख भी रहे हो नॉमिनल में हमने नेम्स को डिफाइन किया है, ऑर्डिनल में नेम भी होगा और ऑर्डर भी होगा, इंटरवल में नेम ऑर्डर एंड देन इक्वल इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स होंगे, रेशियो में क्या होगा, रेशियो रेशियो इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई है ना, इंटरवल इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, सब मिलते जा रहे हैं है ना। नॉमिनल इज द सबसे लोएस्ट लेवल एंड रेशियो इज द सबसे हाइएस्ट लेवल, तो रेशियो में हमारा सारी क्वालिटीज इसमें मिलती जाएंगी। जैसे नीचे एक फिगर भी आपने देख रहे होगे दिया है, नॉमिनल में कैटेगरीज आती हैं, वहीं ऑर्डिनल में ऑर्डर आ रहा है, इंटरवल में डिस्टेंस बिटवीन मीनिंग आ रहा है, और वहीं रेशियो में एब्सोल्यूट जीरो आ रहा है। नॉमिनल की अगर हम बात करें कि नॉमिनल मेजरमेंट क्या होता है हमारा, तो ये जो नॉमिनल, इसको नॉमिनल स्केल भी कहते हैं, नॉमिनल डेटा के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आगे चल के जब तुम लोग स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाने लगोगे तो नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, इंटरवल डेटा, रेशियो डेटा को पहचानने लगोगे, बिल्कुल सिमिलर है ये। तो मेजरमेंट का सबसे लोएस्ट लेवल जो है वो नॉमिनल है, नॉमिनल जो हमारा नॉमिनल या क्लासिफिकेटरी मेजरमेंट है। इस तरह के मेजरमेंट में जो रिसर्चर होता है वो नंबर्स को का प्रयोग व्यक्तियों, वस्तुओं या समूहों की पहचान या उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए करता है। इसमें क्या कर रहा है, जो भी हमारे रिसर्चर है व्यक्तियों, वस्तुओं की पहचान करने के लिए नॉमिनल मेजरमेंट करता है, मतलब कि क्लासिफिकेशन, जैसे उसने कह दिया ये एम फॉर मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एफ फॉर फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मापन क्या करता है, इस मापन के द्वारा हम सामने जो भी हमारे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं, एक स्पेसिफिक क्लास में रिप्रेजेंट कर देते हैं, बांट देते हैं। जैसे हमने क्या किया, मेंटल इलनेस को हमने तीन तरह के कैटेगरीज बांट दिया, बाइपोलर में, सिज़ोफ्रेनिया में, हिस्टीरिया में, और भी चाहे कर सकते हैं, डिप्रेशन कर सकते हैं, मेनिया कर सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया, स्पेसिफिक नाम दे दिया है ना, क्लासिफिकेशन कर दिया। नाम देने की जो प्रक्रिया है वो आ जाएगी नॉमिनल मेजरमेंट में। नॉमिनल मेजरमेंट की विशेषता यह होती है कि इसमें दो समूह के सदस्य आपस में कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होते, दो समूह के जो सदस्य हैं वो आपस में इक्विवेलेंट नहीं होते। अब हम कहेंगे कि डिप्रेशन का जो पेशेंट है, हमने क्लासिफिकेशन क्या किया, डिप्रेशन का और मेनिया का, या डिप्रेशन का और सिज़ोफ्रेनिया का, तो डिप्रेशन और सिज़ोफ्रेनिया दो अलग अलग ग्रुप हैं, कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होंगी। डिप्रेशन के मरीज की अपनी अलग क्वालिटीज़ होंगी और सिज़ोफ्रेनिया के मरीज की अपनी अलग क्वालिटीज़ होंगी, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब हम बात करें आगे चल के ये इसके नॉमिनल स्केल के या नॉमिनल मेजरमेंट के टाइप्स हैं या एग्जांपल हैं, जैसे जेंडर में क्या आ जाएगा हमारे क्लासिफिकेशन, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, हम ऐसे ही कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। आई कलर में, आई कलर कैसा कैसा हो सकता है, कैसे क्लासिफिकेशन दिखा सकते हैं नॉमिनल में, जिसमें हम नेम्स दे रहे हैं बेटा, नेम्स देने, जब हम नेम्स दे रहे हैं मेजरमेंट में, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल मेजरमेंट। ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, हेजल, टाइप ऑफ हाउस, बंगलो हो सकता है, डुप्लेक्स हो सकता है, टाइप ऑफ पेट, कौन कौन से पेट आप रख सकते हो, जीनो टाइप कैसा हो सकता है, या आपका ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, दैट इज ऑल द नॉमिनल मेजरमेंट। अब बात करते हैं ऑर्डिनल मेजरमेंट की। ऑर्डिनल मेजरमेंट जो है हमारा सेकेंड लेवल है, सेकेंड लेवल है जो कि नॉमिनल मेजरमेंट के बाद आता है। ऑर्डिनल मेजरमेंट में संख्याओं द्वारा व्यक्ति या वस्तुओं को हम रैंक देते हैं, जैसे क्लास में रैंक देते हैं ना, जिसके नंबर सबसे ज़्यादा उसको फर्स्ट, उससे कम वाले को सेकंड, और उससे भी कम वाले को थर्ड, दैट इज़ द ऑर्डिनल मेजरमेंट। ये क्या है, ऑर्डिनल मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, इस तरह के मेजरमेंट में रैंक्स को हाइएस्ट से लोएस्ट या लोएस्ट से हाइएस्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि मेजरमेंट में कौन सी वस्तु या कौन सा व्यक्ति
एक दूसरे से बड़ा है, छोटा है, बड़ा बराबर है, हल्का है, ऊंचा है, नीचा है, ये सब हमें लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल देन का पता चल पाता है। जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का अगर हमें मेजरमेंट करना है, ऑर्डिनल रैंक हमें निकालनी है, ऑर्डिनल मेजरमेंट करना है, तो हम इसको रैंक्स में डिवाइड कर सकते हैं, हाई क्लास में, मिडिल क्लास में, लोअर क्लास में। तो इससे हमें रैंक्स पता चल जाएंगी कि क्या है और किस तरह कौन हायर वर्क क्लास में आ रहा है, कौन लोअर क्लास में आ रहा है, कौन मिडिल क्लास में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ऑर्डिनल मेजरमेंट हो गया। ऑर्डिनल मेजरमेंट में बेसिकली हमारा आ जाता है कई तरह के डेटा करने के जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं वो आ जाते हैं, जैसे मीडियन आ गया, परसेंटाइल आ गया, रैंक डिफरेंस आ गया, रैंक डिफरेंस को रिलेशन आ गया, ये सब रट लेना। ऐसे ही वहाँ पर मैंने इससे नॉमिनल में नहीं बताया कौन कौन से स्टैटिस्टिकल मेथड आ जाएंगे वहाँ पे, कौन कौन से स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस आ जाएंगे। जैसे वहाँ पे हम लिखेंगे नॉमिनल में फ्रिक्वेंसी, परसेंटेज, प्रपोर्शन, मोड, कोफिशियंट ऑफ कंटीजेंसी, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, नॉमिनल में आ जाएंगे। ऑर्डिनल में हमारे क्या क्या आ रहे हैं, मीडियन आ रहा है, परसेंटाइल आ रहा है, रैंक डिफरेंस कोरिलेशन आ रहा है, ये हमारे ऑर्डिनल में आ गए। जैसे आप देख रहे हो एग्जाम्पल्स जो इसमें है, हाई स्कूल क्लास की जो रैंकिंग होगी, पहली रैंक मिली है, 9th मिली है, 87th मिली है ऑल ओवर इंडिया, तो ये सब जो है हमारा ऑर्डिनल स्केल है, ऑर्डिनल स्केल पे मेजरमेंट है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर, मिडिल क्लास या रिच। लिकर्ट पे हम जो दिखाते हैं, स्ट्रांगली एग्री है, एग्री है, डिसएग्री है, न्यूट्रल है, ये सब जो है हमारी ये ऑर्डिनल स्केल में आ जाएंगे। इसके साथ साथ जब आप ये बताओगे कि क्या हो रहा, क्या होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट, आप लिखोगे एग्जाम्पल एंड देन लिखोगे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस। जैसे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस मैंने इसमें बताएं कि इसके जो स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन है वो है मीडियन, परसेंटाइल, रैंक डिफरेंस, कोरिलेशन। तो ये वहाँ पे सब लिख दोगे तो प्रॉपर आपका एक सही जवाब हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि इंटरवल मेजरमेंट क्या होता है। इंटरवल जो मेजरमेंट है वो थर्ड लेवल होता है, इसमें वो सारी गुण सम्मिलित हैं, सारी क्वालिटीज इंक्लूडेड हो जाती हैं जो हमारी नॉमिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट में या स्केल में थी। इस मापन की सबसे अच्छी या सबसे बड़ी विशेषता है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसमें इक्वल होता है या कंस्टेंट रहता है, इसलिए इसे इक्वल इंटरवल मेजरमेंट भी कहा जाता है। इस मेजरमेंट में चूंकि हम संख्याओं द्वारा इक्वल इंटरवल्स का पता चलता है, इसमें एक संख्याओं द्वारा इक्वल इंटरवल्स का पता चलता है, इसलिए हम इसे इक्वल इंटरवल मेजरमेंट कहते हैं। इसलिए इसमें आसानी से जोड़ा घटाया जा सकता है, बहुत इजीली हम जोड़ घटा सकते हैं इसको। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप दे दो, देख लो कि अगर ए बी सी डी हमारे पास चार वस्तुएं हैं, चार लोग हैं, या चार नाम ले लो, चार स्टूडेंट्स ले लो, कुछ भी, ए बी सी डी चार लोग हैं, इसमें से हमारे जो ए बी सी डी हैं जिन्हें हम जिनका हमने मेजरमेंट किया किसी स्पेसिफिक टूल पे कर लिया, टेस्ट, कोई स्पेसिफिक टेस्ट लिया उन चारों का, ए बी सी डी मान लो कोई स्टूडेंट्स हैं, उनका टेस्ट लेने के बाद उनको जो नंबर हैं वो मिले हैं 20 16 8 4, 20 16 20 16 8 4 हमें इनको नंबर हमने दे दिए। तो यहाँ जो ए बी सी डी है, ए का और सी का जो डिफरेंस है, ए को कितना मिला है 20 और सी को मिला है 8, है ना, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 12। और वहीं बी और डी का अगर हम अंतर देखें तो बी को मिला है 16 और डी को मिला है 4, तो इसका भी अंतर हो गया 12। तो ये बराबर बराबर है, इक्वल डिफरेंस है, इक्वल बीच में इनके इंटरवल आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको इंटरवल लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप कैलेंडर में भी देख सकते हैं, जो एक जैसे उसमें लिखा होता है ना, डे लिखे होते हैं कि 1 2 3 4 5 से लेके 30 तक आपके, या 31 तक, या 28 तक डेज आपके जाते हैं। तो एक तारीख से दो तारीख के बीच में प्रॉपर एक डिफरेंस होगा 24 घंटे का, वही 2 से 3 के बीच में होगा, वही 3 से 4 के बीच में होगा, दैट इज द इक्वल इंटरवल मेजरमेंट स्केल, यही इंटरवल मेजरमेंट बताता है। अब ये जो इक्वल मेजरमेंट स्केल है इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें क्या करते हैं हम, पहली बात तो हम इक्वल डिस्टेंस को जोड़ा जा सकता है, दूसरा है इंटेलिजेंस स्कोर आ गया इसमें, एप्टीट्यूड स्कोर आ गया, हमारा कैलेंडर आ गया, फॉरेनहाइट आ गया, सेल्सियस आ गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी इंटरवल स्केल में आती हैं। अब हम बात करें इसमें कौन कौन से स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस आ सकते हैं, जिसमें हमारा SD आ सकता है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, पियर्सन R आ सकता है, टी टेस्ट आ सकता है, एफ टेस्ट आ सकता है, या कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन भी आ सकता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि पहले आपको बताना है लेवल क्या है, किस लेवल के बारे में आप बात कर रही हो, देन एग्जांपल एंड देन इसके स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस।
बात करें रेशियो मेजरमेंट की, रेशियो मेजरमेंट सबसे हाईएस्ट मेजरमेंट है लेवल ऑफ मेजरमेंट का। इसमें नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल तीनों की क्वालिटीज इसमें इंक्लूडेड होती हैं। इसमें क्या होता है, ट्रू जीरो पॉइंट है, जैसे इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट था इंटरवल में, वैसे इसमें ट्रू जीरो पॉइंट है। बाकी सारी क्वालिटीज तो है ही, इसमें ट्रू जीरो पॉइंट भी होता है। और ये जो रेशियो मेजरमेंट है ये किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात यानी कि मापन की जो इकाई है से स्वतंत्र होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट से स्वतंत्र होगा। इसलिए इसे सही सही ढंग में से बराबर करके हम तुलना कर सकते हैं। जैसे 15 एवं 105 का अनुपात हम कैसे लिख सकते हैं, 15:105, ठीक है, या 1:7 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशियो को। तो दैट इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी हाईएस्ट लेवल ऑफ द मेजरमेंट। इसमें बेसिकली आते कौन कौन से, वेट आ गया, हमारा हाइट आ गया, लेंथ हो गया, ये सब हमारे रेशियो मेजरमेंट के उदाहरण हैं। रेशियो मेजरमेंट सबसे जैसे बता रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट होता है। इसमें अब कौन कौन से हमारी और चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि अगर हम ये देखना चाहें कि व्हाट इज़ योर हाइट इन फीट एंड इंचेस, लेस देन 5 फीट या 5 फीट 1 इंच या 5 फीट 5 इंच, ये सब रेशियो मेजरमेंट के हमारी एग्जांपल हैं। और जो अगर हम स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस की बात करें, तो अगर सब कुछ हम मिला लें, सारी चीज़ें जो अभी तक हमने तीनों स्केल्स पढ़ी हुई हैं वो हमारी आ जाएंगी इसमें। अब एग्जांपल जैसे देख रहे हो, एज, वेट, हाइट, स्केल फिगर्स, रूलर मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी हैं रेशियो स्केल में आ रही हैं। अब हम जैसे बात करें कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं मेजरमेंट में, तो पहली जो प्रॉब्लम है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स पाई जाएंगी कोई भी चीज़ है, उसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होंगी, कुछ नेगेटिव भी होंगी। तो प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो मापन में जो होता है, या प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इनडायरेक्टनेस इन मेजरमेंट, सबसे बड़ी चीज़ है कि इनडायरेक्टनेस की जो प्रॉब्लम है वो इसमें प्रेजेंट होती है। हम डायरेक्टली जब चीज़ों को मेज़र नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी में कुछ कमी आ जाती है। भाई डायरेक्टली आपने किसी से कुछ बात कर ली और इनडायरेक्टली बात कर ली, तो वो घूम फिर के मिसकम्युनिकेट होके किस तरह से पहुंचती हैं। तो वही चीज़ है, अगर आपने डायरेक्टली मेजरमेंट करना और इनडायरेक्टली चीज़ों को मेजरमेंट करने में की समस्या इसमें होती है। दूसरी है कि प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इनकम्प्लीटनेस इन मेजरमेंट। कई बार होता है कि मेजरमेंट पूर्ण नहीं हो पाता हमारा, तो इसकी भी एक समस्या होती है, इनकम्प्लीट रह जाता है। नेक्स्ट है कि प्रॉब्लम्स ऑफ रिलेटिविटी इन मेजरमेंट। कई बार होता है कि एब्सोल्यूट होता है मेजरमेंट, रिलेटिव नहीं हो पाता, दैट इज़ द प्रॉब्लम प्रेजेंट इन मेजरमेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू एरर्स इन मेजरमेंट। कई बार बहुत सारे एरर्स पाए जाते हैं मेजरमेंट में, जैसे कि जो मेजरमेंट कर रहा है वो बायस्ड हो जाए, जो मेजरमेंट कर रहा है वो सब्जेक्टिवली सोचने लगे, जो मेजरमेंट कर रहा है वो उस सब्जेक्ट को, जैसे जस्ट बिकॉज अगर हम किसी की IQ का मेजरमेंट कर रहे हैं और उसको हम पहले से जानते हैं, तो हमने उसको ज़्यादा नंबर दे दिए, भले ही वो गलत बता रहा है, हमने उसको ज़्यादा नंबर दे दिए, तो ये क्या हो गया, ये एरर्स हैं, बायस एरर डेवलप हो गई है ना। कई बार होता है कि हमारा मूड बहुत ख़राब है, या वो सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, या टूल्स प्रॉपर नहीं हैं, तो ये क्या हो गए, ये मेजरमेंट ये प्रॉब्लम्स ही तो हैं जिसकी वजह से जो मेजरमेंट होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो प्रॉपर हमारे सामने निकल के नहीं आएगा। तो ये हमारी हो गई मेजरमेंट की प्रॉब्लम्स हो गई। फंक्शन की बात करें तो मेजरमेंट के बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, बहुत कई तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेजरमेंट हेल्प्स इन पर्सनल सिलेक्शन, पर्सनल सिलेक्शन में मेजरमेंट का यूज़ होता है, मेजरमेंट का यूज़ हम क्लासिफिकेशन करने में कर सकते हैं, मेजरमेंट हेल्प्स इन मेकिंग कम्पिटिटिव स्टडीज़ है ना, या कंपैरेटिव स्टडीज़ में हम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरेटिव स्टडीज़ में हम कर सकते हैं। मेजरमेंट हेल्प्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हमने मेज़र कर लिया फिर हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग उसको दे सकते हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। मेजरमेंट हेल्प्स इन रिसर्च, रिसर्च में तो बहुत ज़्यादा रोल है ही है मेजरमेंट का, तो और हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसको भी इम्प्रूव करने में मेज़रमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो ये तो रहा हमारा मेज़रमेंट। तो जब क्लास में या आपको एग्जामिनेशन पेपर में आता है कि डिस्क्राइब द लेवल ऑफ मेज़रमेंट, तो पहले आपको बताना कि मेज़रमेंट क्या है, मेज़रमेंट की क्या क्वालिटीज़ हैं, इवेल्युएशन क्या है, कि इवेल्युएशन और मेज़रमेंट, जैसे मैंने बताया ना, मेज़रमेंट बेसिकली क्या हो गया, किसी स्पेसिफिक रूल के तहत नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस करना किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सिचुएशन को।
वही जो हमारा इवेल्युएशन है वो क्या है, क्वालिटिव मेजरमेंट। टाइपिस्ट वाला एग्जाम्पल जरूर दे देना। इसके बाद आप बात करो कि साइकोलॉजिकल और फिजिकल मेजरमेंट की, इसकी जो भी डिफरेंसेस है बताना। इसके बाद आप आओगे लेवल्स ऑफ मेजरमेंट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बढ़िया से बताते बताना। फिर जब आप बता रही हो किसी भी मेजरमेंट को, नॉमिनल मेजरमेंट को जैसे बता रही हो, तो नॉमिनल मेजरमेंट को वहाँ पे आप लिखोगे कि क्या है वो मेजरमेंट, एंड देन एग्जाम्पल वहाँ पे लिखोगे, एंड देन स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस वहाँ लिखोगे। ऐसे ही चारों मेजरमेंट में आपको करना है। फिर प्रॉब्लम्स बता देना हेडिंग्स में, फिर फंक्शंस बता देना। इसके बाद वहाँ पे आपका क्वेश्चन ख़त्म होगा और वहाँ पे आप पूरी तरीके से इसको परफेक्टली रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो ये था आपका लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। होपफुली आप सब लोग समझ पाओगे इसे अच्छे से, और कहीं पे कोई दिक्कत आए तो फिर से आप पूछिए। थैंक यू।